सत श्री अकाल, सुपर हिट रेडियो स्टेशन पर सुपर हिट आरजे मंत्रा एक बार फिर आपके बीच आ गया है आपका सुपर हिट शो लेकर। अर्चना जी, हेलो, हेलो, सोहेल भाई, सब खैरियत? पहला एपिसोड है, खैरियत तो होगी। चार पांच एपिसोड के बाद यही सवाल मैं आपसे फिर से पूछूंगा। अर्चना जी जो बैठी है ना पड़ोस में, वो डायनासोर के टाइम से यहीं पर बैठी हुई है। लेकिन भाई अब ये कॉमेडी सर्कस का नया दौर है और इस नए दौर में मैं आया हूं यहां पर अपना टैलेंट दिखाने। बस एक ही कमी है, मुझे एक पार्टनर की जरूरत है और ये पार्टनर मैं ढूंढूंगा आप में से, आप में से। डायनासोर अभी भी एक बैठा हुआ है। लेकिन भाई अगर आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे कॉल करना है। मेरा नंबर है 9820। आप देख सकते हैं मैं कितना बड़ा आरजू, नंबर पूरा बोला नहीं कि कॉल आ गया। हेलो, हेलो, ओ एक सेकंड, हेलो, हाय, आय, हाय। जब से मैंने आपकी आवाज सुनी है मेरे तो होशो आवाज उड़ गए। मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात कर रही है। आज तो मेरी किस्मत चल गई, लॉटरी लगी मेरी। जी मैं भी आपसे बात करने के लिए बेताब हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। सच? सच्ची। लेकिन मैं मैरिड हूँ, चलेगा? चलेगा चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपके पति को तो कोई एतराज नहीं होगा? अरे मैं पति ही बोल रहा हूँ। सुनना, ए फोन रख, आता हूँ ना। अरे फोन रख, सुनना, पागल आदमी, फोन रख। कि ये लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं, मैं रेडियो पे हूँ, गेडियो पे नहीं हूँ। मैं, मेरी पार्टनर मुझे ज्वाइन करने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। जरा म्यूजिक बजाओ, आ रही है अनारकली। क्या है, तुम कौन हो? अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है शहजादे। अरे मैडम, ये पिक्चर से बड़ा प्रोमो तो मैंने पहली बार देखा है। अरे इतनी बड़ी तो अकबर की सल्तनत नहीं थी जितनी बड़ी तुम हो। असली अनारकली को भेजो मेरा बेटा। तो हिम्मत कीजिए शहजादे, मैं ही हूँ अनारकली। ये कली है? अरे ये कली है तो जब बड़ी होके फूल बनेगी तो क्या पूरे बगीचे में लेटोगी? असली अनारकली को भेजो, ये मेरे साथ गलत हुआ है। मैं ही हूँ अनारकली। हमसे बदतमीजी, मोहल्ले मोहल्ले फैंस है मेरे। ओहो, अपने आप को देखा है आपने मोहतरमा? आप अपने आप में एक मोहल्ला है, आपके आजू बाजू एक पूरा शहर बस सकता है, शहर बैंड्रा वर्ली सीलिंग के साथ। गुस्सा मत दिलाओ, समझे? समझ रहा हूँ। वैसे ये उंगली में छोटी सी चोट कैसे लगी आप? बहुत साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी बात है? पहला महायुद्ध कब हुआ था? 1943। तो बस परसों की बात है। दो लोकल ट्रेनें आ रही थी, धड़क 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 धड़क, आगे वो एक दूसरे से टकराने वाली थी और मैंने मैंने बीच में हाथ डालकर उन्हें टकराने से बचाया। तुम तो कमाल की टैलेंटेड लड़की लगती हो। एक बात तो बताओ, तुमने कभी किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है? शहजादे, हाँ हाँ हमने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया था। ओहो, उस कॉमनवेल्थ गेम्स में तो हमारे बहुत से नेताओं ने भी हिस्सा लिया, अपना अपना, और घर चले गए। हुआ है भाई, हुआ है। बच्चा मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहता हूँ। चुप कर, इतनी इंक्वायरी करे जा रहा है, पहले ये बता तू होता कौन है? मैं वर्ल्ड फेमस इन मुंबई आरजे मंत्रा। तू बोलते रहे बचाते रहो बचाते रहो बचाते रहो, अरे ये ऐसा मंच है जहाँ अच्छे अच्छों की बच जाती है। तो मतलब कि आपकी और मेरी जोड़ी बन सकती है इसमें? एक बात बताए, आपका हमें हर स्टाइल पसंद है और स्पेशली जो आप ये अदाएं दिखा रही हैं, ये नजाकत वाली, ये बहुत अच्छी लगी हमें। अरे पगले, ये नजाकत नहीं, तम्बाकू बना रही हूँ। मैं कोई अनारकली नहीं हूँ, तो फिर मैं विशाखा हूँ, विशाखा। अरे वाह, अरे तुम तो मल्टी टैलेंटेड निकली। हाँ। आपके और मेरी जोड़ी पक्की बनेगी, पक्की। हाँ, पक्की, पक्की। अरे ठुंगे मारते, पक्की, पक्की। अबे पकड़ कर तो खड़ा रहे।
अरे फल पकने के बाद तो नीचे ही गिरेगा ना विशाखा। चप्पल लुकड़ा मेरी। हाँ नहीं तो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुमने और मैंने मिलकर यहाँ पे गुल तो बहुत खिला दिए, आगे आगे देखे होता है क्या? अरे तो अर्चना जी, सोहेल जी, समझ लीजिए कि यहाँ पर कॉमेडी सर्कस के मंच पर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे चार यार। नहीं, मेरे कहने का मतलब है दो हंसाने वाले और दो हंसने वाले, तो भाई कॉमेडी सर्कस के मंच पर विशाखा और मंत्रा की जोड़ी पक्की, और हमारा एक ही है लक्ष्य, बजाते रहो।